बात कई भाई मैसेज कर रहे हैं आप जीतोगे। तो भाई आप सबका बहुत सारा प्यार है। देखो जीत और हार का ऐसा है, तो एक ना छोटा सा शेर सुनाता हूँ मैं आपकी साइड से, बाबा समझ लूंगा। हर बाबा समझ रहे ना, तूफान में ताश के पत्तों का घर नहीं बनता, तूफान में ताश के पत्तों का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। हौसला रखो तो दुनिया जीतने का रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो अब दिखाते हैं, ये अपडेट है, हार जीत प्लेयर के लिए खेल बड़ा है, खेलेंगे जबरदस्त तगड़े को खेलने से। मैंने कहा ना, ओ बलिया मूछ पूरी। और नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, कैसे दोस्तों। मैं आपका अपना अमित पंघाल, आपके पंघाल फिटनेस पे। तो दोस्तों आज की वीडियो, काफी सारे कमेंट्स थे पिछले वाली वीडियो पे कि वो चीज बताओ जिससे आपकी लोअर बैक में फर्क आ रहा है। और जब मुझे वो चीज बताई गई थी, मेरे पिताजी ने बताई थी, तो मैंने सोचा इससे क्या होगा यार, कैसी बात करते हो। क्योंकि जब भी हम कोई चीज ऐसी सुनते हैं ना कि घर में मिल जाएगी, आराम से अवेलेबल हो जाएगी, तो हम उस चीज पे यकीन नहीं आता। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ना कष्ट करना पड़ता है। लेकिन आज से 5 साल पहले मेरा नीज ये वाला ना घुटना बिल इतना, मतलब मेरे से बैठा भी नहीं जाता था, ये उसने ठीक किया था। और कोई 11 दिन हो गए, 10 10 11 दिन हो गए, मेरी लोअर बैक अब ओके है बिल्कुल। बहुत पेन था, हल्का सा है अभी, लेकिन अब ओके है। तो वो चीज मैं बताऊंगा, उससे पहले एक बॉडी का अपडेट दे दूं कि हाल ही में ऐसी बॉडी है, ठीक है ना। आज डेट बता दूं, मेरा फोन, ठीक है, 6 तारीख है, 9:30 बजे हैं सुबह के, ठीक है ना। तो अभी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है, 1 तारीख से स्टार्ट की है, 1 अगस्त से। तो ये अपडेट है। और एक छोटी सी बात, कई भाई मैसेज कर रहे हैं आप जीतोगे। तो भाई आप सबका बहुत सारा प्यार है। देखो जीत और हार का ऐसा है, तो एक ना छोटा सा शेर सुनाता हूँ मैं आपकी साइड से, बाबा समझ लूंगा। हर बाबा समझ रहे ना, तूफान में ताश के पत्तों का घर नहीं बनता, तूफान में ताश के पत्तों का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। हौसला रखो तो दुनिया जीतने का रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो अब दिखाते हैं, ये अपडेट है, हार जीत प्लेयर के लिए खेल बड़ा है, खेलेंगे जबरदस्त तगड़े को खेलने से। मैंने कहा ना, ओ बलिया मूछ पूरी। और मतलब खुशी होनी चाहिए, आप जिंदगी में कितना पैसा कमा लो, सब कुछ कमा सकते हो आप, नाम शोहरत दौलत। लेकिन जो आज अभी 9:30 बजे दिखाए थे ना मैंने, ये 9:30 वापिस नहीं आ सकते, जिंदगी का 1 मिनट भी वापिस नहीं आ सकता। तो तगड़े हो गए, खेलो जो खेलो, और खुश रहा करो, और प्यार मोहब्बत से जिंदगी को बिताओ, क्योंकि 1 मिनट गया वो वापिस नहीं आ सकता जिंदगी का। तो बहुत प्यार से रहना है और तगड़े होकर खेलना है, ये जो भी गेम आप खेलना चाहते हैं। और तू मैं परंतु किंतु, जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी, जो करना है उसे कर दो। घर में हालात कैसे हैं वो भी जरूरी है देखना, क्योंकि कई मेरे भाई कहते हैं भाई मेरे पास पैसे नहीं, तो वो चीज भी देखनी है, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है ना। बिना पैसे के तो केले और दूध की थैली भी नहीं आती, तो पैसे के लिए भी काम करना है, वो भी मैं बताऊंगा, कई वीडियो बनाऊंगा अभी, तो आप लोगों को डिजिट दिखाऊंगा। क्योंकि देखो बोलने वाली चीजों में की नहीं करती, जो दिखता है ना वो समझते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा फिर बताऊंगा, अभी तो फिलहाल बॉडी का अपडेट दे देता हूँ। अभी तो आप छोटे हैं, बड़े ब्रेन थोड़े दिन में आप मोटे हो जाए, अभी देख लो धीरे धीरे चेंज करेंगे आप सबको। तो दोस्तों आ चुके हैं किचन में, तो ये है वो चीज, जो ये है वो मेन चीज, इसको बोलते हैं फिट करी, जो आपने देखा होगा जब सैलून में जाते हैं पहले, अब तो कहाँ होता होगा, तब सेव करते थे, उसके बाद फिट करी का ऐसे यूज करते थे ना कि कट पड़ जाता है। तो ये है वो फिट करी, मतलब जबरदस्त चीज है ये। और जिसको भाई ज्यादा पेन है डॉक्टर को जरूर दिखाना, कि डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर को दिखाना है। तो मैंने तो आपने देखा होगा मेरी स्टोरी, काफी दिखाया था, लेकिन फिर वही बात है, जो देसी चीज काम कर जाएगी वो कोई चीज नहीं कर सकती। तो करना कैसे है, ये एक पतीला पानी लिया, गैस जलाई, गैस पे रखा, लेकिन थोड़ी मेहनत लगेगी, उसमें आधी कटोरी नमक, ठीक है, और एक पीस अपना
फिटकरी बड़ी होगी छोटी होगी अपने हिसाब से तोड़ लेना। तो मैंने तो इतना बड़ा पीस था मेरा, तो छोटा करा मैंने उसमें काफ़ी सारे, तो एक पीस डाल रहा हूँ, ये पानी में डाल दिया। अब इसको उबलने देना है 2-3 मिनट तक। तो दोस्तों अपनी फिटकरी मेल्ट हो चुकी है, अब ये यूज़ के लिए रेडी है। अब बताता हूँ कि यूज़ कैसे करना है, बस उठाना आराम से, बहुत गर्म हो जाए। अभी रेडी है यूज़ करने के लिए, लेना टॉवल। और जो मैंने यूज़ किया, जो मुझे फ़र्क दिखा तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। जिस मेरे भाई का मन करे वो यूज़ कर सकता है, जिसका ना करे वो ना करे, ठीक है ना। जिसका मन करे वो यूज़ करके देख लेना, फ़र्क मिलेगा अगर यूज़ करोगे तो। भाई मैं दिन में 2 से 3 बार यूज़ करता था, 2 बार तो करता ही था, 3 बार 3 बार हो जाता था इस टॉवल को। थोड़ा देख के करना, शोल्डर में, ठीक है, आपके नीज में, आपके लोअर बैक में, जैसे भी पेन है। तो इस पानी को थोड़ा निचोड़ लो, और कोई चीज लगा लेना नीचे, कहीं पता लगे बैठ पे गीला गीला हो गया। मैं तो टॉवल लगा लेता था, ये तो मैं जिम में बैठा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। जैसे नीज में तो इस पे रखना है, इसकी सिकाई करनी है इसकी। अब सुनने में कई बार ऐसा लगता है, मेरे को भी स्टार्टिंग में ऐसा लगा था, इससे क्या होगा यार, मैं दवाई से कुछ हो नहीं रहा, इससे क्या होगा। जो भी पेन है मोस्टली, जो भी पेन होता है बॉडी में, स्ट्रेचिंग, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग करके और सिखाई, मुझे जो लगता है वो सबसे बड़ा इलाज है। फिर भी एक बार डॉक्टर से पूछ लेना, जिसे इसको जो प्रॉब्लम है, कहीं पता लगे ज़्यादा पेन करवा लिया। मुझे तो बहुत आराम मिला इससे, मेरे लोअर बैक में, मेरे नीज में, तो मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे यूज करना है, ठीक है, उससे सिखाई करनी है फिर। और जो घर में बुजुर्ग है वो बता भी देंगे इसके बारे में, पूछना। सिखाई करनी है और आपको बहुत आराम मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, सेहत का ध्यान रखें और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स रीड करता हूँ, सारे कमेंट्स लाइक करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।